गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो क्लास फॉर क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है आपकी 2.5। इस एक्सरसाइज में आपकी सारी की सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही है, लेकिन आपको जो सम करवाया जाएगा मैं उसी से ही रिलेटेड आइडेंटिटी के सम करवाऊँगी, एकदम आइडेंटिटी नहीं बताऊँगी आपको। तो देखिए, अभी पहले जो आपकी ये फोर आइडेंटिटी है, आपकी ये एट्थ क्लास में भी यूज़ होती हैं। क्या है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी? x प्लस ए, एक्स प्लस बी। अब हमारे पास क्या है, ये भी कोई पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है कोई पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल की हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होएगा, जब आपके पास ऐसे फैक्टर हो तब क्या होएगा, एक्स स्केयर, जो भी आपके पास यहाँ पे एक्स है ना, उसका क्या कर देंगे, स्केयर, और जो ये क्या है टर्म है उन दोनों का प्लस, और साथ में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है x था, तो यहाँ पे क्या हो गया है x, और फिर इन्हीं दोनों की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। फर्स्ट वाली का इसका स्केयर प्लस इन दोनों को जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको क्या कर देंगे, एड इन टू एक्स प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। एक बार क्या करेंगे, वही प्लस और एक बार माइनस। अब क्या है, x प्लस वाई का होल स्केयर। अब क्या है, पूरे का क्या है, होल स्केयर। जब पूरे का होल स्केयर हो तब क्या होता है आपके पास, फर्स्ट वाली का स्केयर, फर्स्ट क्या है x, x का स्केयर प्लस सेकेंड वाली क्या है y, y का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड एक्स वाई। अगर प्लस वाला है तो दोनों सिंबल क्या होंगे, प्लस के। अगर माइनस की आइडेंटिटी है तब क्या होएगा, वही फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकेंड वाली का स्केयर, लेकिन जो हाँ अगर माइनस है तो टू के आगे क्या आ जाएगा, माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई। समझ में आ गया है, ये फोर आइडेंटिटी से ही रिलेटेड सम हम आज करेंगे। देखिए फर्स्ट सम में क्या है आपके पास, यूज सूटेबल आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, इसकी आइडेंटिटी यूज़ करके टू फाइंड प्रोडक्ट्स, हमें इसकी क्या करनी है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट में देखिए आपके सॉल्यूशन में क्या है, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन। अब देखिए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। क्या थी आपके पास आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ए क्या है आपके पास 4 और बी क्या है 10, तो अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, और x की जगह क्या है x है। ये कोई ज़रूरी नहीं है भी आपका हमेशा ही x होएगा, वेरिएबल कोई और भी हो सकता है आपके पास। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस जो a प्लस बी, a प्लस बी, a कितना है 4, b कितना है 10 और इनटू में x प्लस और इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी 4 मल्टीप्लाई 10। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 यानी 14x प्लस 40। तो ये क्या हो गया, इसकी हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब देखिए आप इसी का ही थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब यहाँ पे x की जगह क्या है आपका 3x, क्या है 3x, तो यानी क्या होएगा x का स्केयर, तो यानी 3x जो फर्स्ट टर्म है इसका क्या कर दिया, स्केयर। स्केयर करने के लिए 3 का भी तो स्केयर है, ओनली x का स्केयर मत कर देना, 3 और x इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और इसका क्या कर दिया, स्केयर। प्लस क्या होता था, a प्लस बी, यहाँ पे a कितना है अगर नहीं पता लगता तो आप लिख लिया करो, b है और वो 4 है, और b कितना है आपके पास, वहाँ पे प्लस की थी ना हमारे पास आइडेंटिटी, तो इसको प्लस और माइनस इसको ही लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस 5। तो b कितना हो गया आपके पास माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है 4 प्लस b, यानी b कितना है हमारे पास माइनस 5। x होता था, अब यहाँ पे x कितना है आपके पास 3x, आगे प्लस a और b की मल्टीप्लाई होती थी, a कितना है 4 और b कितना है माइनस 5। समझ में आ गया, x कितना है यहाँ पे 3x इसका स्केयर प्लस a प्लस b 4 माइनस 5 और x, x की जगह क्या रख दिया 3x प्लस a मल्टीप्लाई b।
अब देखिए 3x का स्क्वायर, 3x को 2 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, यानी 3x मल्टीप्लाई 3x कितना हो जाएगा आपके पास, 3 की 3 से करेंगे 9x स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9x स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 4 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे तो आपका प्लस का सिंबल है ही है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस 1, ये 3x है और इसका 3x, रहने दो मल्टीप्लाई में, अब प्लस माइनस माइनस, 4 की 5 से करोगे तो 20, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1 की 3x से करेंगे तो 3x माइनस 20, ये क्या हो गया इसका सॉल्व, प्रोडक्ट हो गई है इसकी। अब देखिए आपका ये वाला सम देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 3y2 क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस 3y2 और वाई स्क्वायर माइनस 3y2। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो आप यही आइडेंटिटी, यहाँ पे मैंने x की जगह क्या है आपके पास वाई स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर, और a की जगह क्या है 3y2 और b की जगह क्या है माइनस 3y2, ठीक है। तो x का स्क्वायर, x कितना है वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए कितना है आपके पास 3/2 और b कितना है माइनस 3/2 इंटू एक्स, एक्स कितना है वाई स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना है 3/2, b होता है मल्टीप्लाई में माइनस 3/2। अब देखिए 2 के 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर m n। अब देखिए 3/2 प्लस का और ये माइनस का, कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 0, 0 के वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 को प्लस करो या ना करो बात सेम ही रह जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 3 की 3 से करेंगे 9, 2 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये फर्स्ट तरीका था, एक और तरीका हो सकता है आपके पास, देखिए a प्लस बी और वही क्या हो रहा है a माइनस बी, तो आपको एक आइडेंटिटी बताई गई थी एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या हो जाता है फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई 4 माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 इसका स्क्वायर, 3 की 3 से करेंगे 9, 2 की 2 से करेंगे 4, समझ में आ गया है। अब आपका देखिए सेकंड सम, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग, आपके पास ये टर्म दे रखी है 103 मल्टीप्लाई 107, हमें इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन आपको ये दिया हुआ है विदाउट मल्टीप्लाई करे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको क्या करना है यूजिंग आइडेंटिटी, क्या करना है यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो हम इसको वही a प्लस बी की फॉर्म में बनाएंगे, तो हम जैसे भी ये टर्म दे रखे हैं हम इसको 0-0 फॉर्म में ज़्यादा लेके आएंगे, जैसे इसके आसपास नियर अबाउट 100 कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 3 लिख सकते हैं 103 को, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ये वाली दोनों टर्म आपके पास क्या आनी चाहिए सेम, क्योंकि x प्लस a और x प्लस b ये भी 100 और ये भी क्या हो गया 100, तो अब आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे x प्लस a x प्लस b क्या होती है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। अब देखिए x कितना है यहाँ पे हमारे पास 100 और a कितना है आपके पास 3 और b कितना है आपके पास 7, पुट कर दीजिए इसमें तो x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 3 प्लस 7 इंटू x, x कितना है 100 इंटू 100 प्लस a इंटू b यानी 3 मल्टीप्लाई 7, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 40 लग जाएंगे यानी 10,000 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 की 7 से करेंगे तो 21 कितना हो जाएगा 21, तो आगे 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा
11021 यानी 11021। समझ में आ गया है, सॉल्व कर दिया हमने इसको। आपने एक्चुअली सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं करना, यूजिंग आइडेंटिटी करना है। समझ में आ गया। अब इसके जैसे आपके पास और पार्ट हैं, देखिए मैं आपको बस बता देती हूँ कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे और आप खुद करके देखोगे। अब देखिए नियर अबाउट इसको भी जीरो जीरो ज़्यादा आने चाहिए, तो क्या हो सकते हैं 100 के नियर अबाउट है ना, ये भी तो इसको क्या कर दे 100-5। 96 को क्या लिख सकते हैं 100-4, तो यानी देखिए ये x और ये भी x सेम आ गया है। x की वैल्यू कितनी आ गई 100, a की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये मत कह देना 5, यहाँ पे क्या है -5। b की वैल्यू कितनी है -4। समझ में आ गया। अब वही आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। और आपका थर्ड पार्ट में क्या है 104 और 96, आप इसको भी खुद सॉल्व करोगे। इसको क्या लिख सकते हो 100+4, इसको क्या लिखोगे 100-4। यही 2 सम आप प्रैक्टिस करोगे, इसके सभी पार्ट करके देखोगे, इसके भी जो पार्ट रह गए हैं अपने आप करोगे और इसके भी जो पार्ट रह गए हैं वो आप अपने आप करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।